Hey guys, welcome to my YouTube channel Round Robin. In this video, I will discuss persistent interview question and interview experience. So persistent की जो interview हुई थी, last recruitment जो persistent की हुई थी वो December 2020 में हुई थी. So उस time की जो drive में जो interview question पूछे गए थे and उसके experience मैं इस video में discuss करूँगा. Please end तक इस video को जरूर देखें and अपने friend के साथ share करें. So ये different panel से ये question collect की गई है. सो डिफरेंट स्टूडेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपसे मैं शेयर करूंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. सो मैं बताऊं कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो TR1 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं एंड बेस पैकेज के लिए जो 4.5 लाख है. सो इंटरव्यू का जो लेवल है वो मॉडरेट में बोलूंगा. सो इसका मॉडरेट लेवल है. ये इंटरव्यू का ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट एवरेज आपकी होगी. सो एवरेज स्टूडेंट की 30 to 40 मिनट थी, बट कुछ स्टूडेंट की 50 मिनट भी हुई थी. लाइक जिनसे जिन्होंने कोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है, सो उनके अकॉर्डिंग 50 मिनट होती है. सो मैं बोलूँगा कि जो स्किल्स परसिस्टेंट वाले आपसे पूछेंगे, लाइक आप किसी भी ब्रांच से हो वो उनको मैटर नहीं करता है. सो इतने स्किल्स आपसे पूछेंगे, लाइक एनी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आता है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जावा या C++ डेवलपर चाहिए. आपको C++, जावा, पाइथन, कुछ कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है उसमें आपसे कोडिंग करवाएंगे. 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन करवाएंगे. सो ये मस्ट है, से 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन वो करवाएंगे ही. बाकी कोडिंग क्वेश्चन के वो लॉजिक पूछ सकते हैं. सो लॉजिक भी अगर आप बताते हो तो इनफ है, बट 1-2 कोडिंग क्वेश्चन वो आपसे करवाएंगे. लाइक आपसे पूरा फुल कोड नहीं लिखवाएंगे, लाइक हेडर फाइल टू लास्ट लाइन, बट आपको लॉजिक बोलेंगे लिखने के लिए. सो एनी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे पूछेंगे. देन आपसे DS एल्गो इंपॉर्टेंट है. DS का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. OS, CN, DBMS इंपॉर्टेंट है. Oops, SDLC, पजल्स. सो ये सारे इंपॉर्टेंट है. सो मैं एक बात बता दूँ, लाइक दे विल नॉट आस्क फ्रॉम योर प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे TR1 में. TR2 में आपसे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपके रिज्यूम बेसिस पे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे TR1 में. मे बी TR2 में पूछे जाए. उसकी मैं डिटेल वीडियो आपको कुछ दिन में दे दूंगा, लाइक अपडेट इसके बाद. एंड मैं बता दूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक इन सारे से पूछे जाएंगे जो मैंने बताया. सो इससे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे. लाइक कुछ ज़्यादा आपका हार्ड मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. बेसिक 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 20% क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि आपको मॉडरेट से हार्ड पूछे जा सकते हैं. सो मैं एक एक करके सारे डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट मैं आ जाता हूँ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. यहाँ पे आपको बेसिक 1 से 2 के करने के लिए, सो लाइक पैलिंड्रोम नंबर, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, लाइक दैट. जितने भी बेसिक कोड होते हैं पैटर्न के कोड, सो उसमें से 1-2 कोड आपको बोलेंगे करने के लिए. सो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो फिबोनाची सीरीज की. सो फिबोनाची सीरीज सबसे ज़्यादा लिखवाते हैं वो लोग. तो फिबोनाची इन पिरामिड पैटर्न, सो इसमें आपको लिखवा सकते हैं. ऐसा भी बोल सकते हैं, सो डायरेक्ट फिबोनाची सीरीज भी लिखा सकते हैं, बट थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं. लाइक ऐसा ही बोल सकते हैं, फिबोनाची प्रिंट करो 8 से. सो लाइक आपका 0, 1, 1, 2, 3, 5 और 8, तो 8 से आपको प्रिंट करना है. एंड आपका जो भी, लाइक आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, जावा, C++, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स उसमें यूज होते हैं, लाइक कलेक्शन, हैशिंग, टर, सो उप्स के फीचर आपको जितने होते हैं सबको आपको आना चाहिए. लाइक इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, सब ये सबसे इनहेरिटेंस, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक थ्योरी. एंड सी जो लोग बोलते हैं वो स्ट्रिंग पॉइंटर, मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं सी में, लाइक दैट क्वेश्चन वो पूछेंगे. लाइक सो यहाँ से आपको 1 से 2 कोडिंग आपको यहाँ करने के लिए बोल सकते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंटरव्यू का वो है डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट. सो लिंक लिस्ट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछेंगे ही. सो 1 क्वेश्चन आपका कोडिंग होगा. ये आप मॉडरेट पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि लिंक लिस्ट का कोडिंग वो, मतलब जो अच्छे कोडिंग है वो आपसे पूछते हैं. लाइक इंसर्शन डिलीशन नोड इन लिंक लिस्ट, ये बहुत रेयर था, मतलब कम फ्रिक्वेंसी थी इसकी. सो स्टार्टिंग में इंसर्शन या फिर लास्ट में इंसर्शन डिलीशन या फिर किसी नंबर पे, लाइक किसी नोड पे आपको इंसर्शन डिलीशन करना है ऐसे. तो इंसर्शन डिलीशन कम थी. फाइंड मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट, ये भी कम था. जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी थी वो रिवर्स लिंक लिस्ट. सो रिवर्स लिंक लिस्ट आपको करने का, आपको या तो आपको कोड बोल देंगे या फिर लॉजिक बोल देंगे. सो मैंने इसकी लॉजिक आपके साथ डिस्कस किया हूँ. लाइक आपको बोलते हैं अगर रिवर्स लिंक लिस्ट करना है, तो आप जस्ट एक गिवन लिंक लिस्ट है उसमें कितना भी नोड है, लाइक 4 to 5 एलिमेंट है, तो आप उसके लॉजिक में आपको बताता हूँ कि आप उसे लाइक डिलीट फर्स्ट नोड फ्रॉम द गिवन लिंक लिस्ट. जो गिवन लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट नोड आप डिलीट करो और उसे क्रिएट करो न्यू लिंक लिस्ट में और एकदम फर्स्ट बिगन में उसे इंसर्ट करो. सो ऐसे ऐसे आप फिर सेकेंड एलिमेंट डिलीट करो और फिर उसको फिर आगे में आप उसको इंसर्ट करो. लाइक हमेशा उसको बिगन में कंटिन्यू करो, तो ऐसे में आपका जो लिंक लिस्ट है वो कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा. आपको तब तक इंसर्ट करना है वहाँ फर्स्ट बिगन लिंक लिस्ट में, बिगन में इंसर्ट करना है तब तक जब तक आप नल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते फर्स्ट लिंक लिस्ट के. सो ऐसे आप रिवर्स लिंक लिस्ट के लॉजिक बता सकते हैं, डैट आपके लिए इनफ हो जाएगा.
जो सेकंड क्वेश्चन वो पूछते हैं लाइक फाइंड मर्ज पॉइंट इन लिंक्ड लिस्ट। सो यहाँ आपको लाइक मर्ज पॉइंट क्या होता है कि आपके पास दो रो दिए हुए, लाइक एक आपके पास वो लिंक लिस्ट है तो उसमें दो रो है, सो वो दोनों रो कहीं एक टाइम पे जाके बाद मर्ज हो रहा है, सो वो मर्ज पॉइंट आपको निकालना है, वो मर्ज पॉइंट क्या है, वो वैल्यू क्या है, जो भी है। तो वैसे में आपको क्या करना है कि आपको दोनों रो का लेंथ निकाल लेना है, फाइंड लेंथ फॉर बोथ लिस्ट एंड टेक डिफरेंस। तो दोनों का आपको डिफरेंस ले लेना है, लाइक आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस से आप जो स्टार्टिंग जो दोनों रो है वहाँ आप ट्रेस कर सकते हो, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सो लार्जर लार्जर लिस्ट ट्रेवर्स एंड टेक टू पॉइंटर, सो दो पॉइंटर आपको लेना है, एंड जहाँ से दोनों लिंक लिस्ट एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं लाइक दोनों रो, वहाँ आपको दोनों पॉइंटर लगा देना है, देन लाइक दोनों पॉइंटर आपको पॉइंट करना है दोनों रो के लिए। सो उस दोनों रो को पॉइंट करना है एंड इंक्रीमेंट करना है वन से, सो इंक्रीमेंट करना है वन से एंड कंपेयर करना है वेदर सेम और नॉट। सो जहाँ पे सेम आ जाएगा लाइक वही मर्ज पॉइंट है, अगर सेम नहीं आएगा तो आप नल तक आ जाओगे, लाइक आपका लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगा, मतलब उस लिंक लिस्ट में मर्ज पॉइंट नहीं है। सो ये लॉजिक आप बताते हो, लाइक ये लॉजिक बताने के बाद वो आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे एंड आपको वो समझ जाएंगे लाइक आपको लिंक लिस्ट की फुल नॉलेज है, तो वो मे बी एक क्वेश्चन पूछ से आपके स्किप कर सक मतलब आप आगे चले जाएंगे, लेकिन लिंक लिस्ट से वो एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं सारे स्टूडेंट से। सो थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, लिंक लिस्ट में साइकिल एग्जिस्ट और नॉट, सो साइकिल एग्जिस्ट और नॉट इस कैसे चेक करते हैं। सो इसके इसके दो लॉजिक है, मैंने दो लॉजिक डिस्कस किया, मैं एक बता दूं कि आपको एक फ्लैग वैल्यू जीरो करना है, देन आपको टेम्प स्ट्रक्चर एक नोड आपको पॉइंटर लेना है, उसको ट्रेस करना है लिंक लिस्ट को, जहाँ भी फ्लैग वैल्यू लाइक जीरो एंड वन है, लाइक ये फ्लैग वैल्यू जीरो उसको वन करना है, लाइक वो एलिमेंट ट्रेस हो चुका है वो नोड, एल्स अगर वन है उसकी फ्लैग वैल्यू तो आपको पता है कि ऑलरेडी आप विजिट कर चुके हो, मतलब साइकिल एग्जिट हो रही है, लाइक वो नोड फिर से आ रही है, लाइक उस लिंक लिस्ट में साइकिल है। सो एक ये बता सकते हो जो सेकंड लॉजिक है, बाय यूजिंग टू पॉइंटर, सो आप दो पॉइंटर यूज कर सकते हो, एक स्लो और एक फास्ट, स्लो इंक्रीमेंट होगा वन से, फास्ट इंक्रीमेंट होगा टू से, स्लो इक्वल इक्वल टू फास्ट साइकिल एग्जिट, सो आप स्लो इंक्रीमेंट होगा वन से फास्ट, सो स्लो अगर फर्स्ट नोट पे है तो फास्ट वाले सेकंड नोट पे रहेंगे, सो एक टाइम के बाद अगर दोनों स्लो एंड फास्ट दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं लाइक आपका साइकिल एग्जिट है। सो ये दोनों लॉजिक में आपको ही बता सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट के अलावा एरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टैक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्री से बाइनरी सर्च ट्री से क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, तो उस सबसे बस बेसिक डेफिनेशन पूछे जाएंगे, स्टैक क्योंकि इंप्लीमेंटेशन कोडिंग नहीं पूछे गए थे किसी से, मतलब लाइक एक दो स्टूडेंट से पूछे जाएंगे, लाइक रेयर तो कुछ भी हो सकता है बट उनसे नहीं पूछे गए थे। एल्गो में मैं आ जाऊँ, एल्गो की फ्रीक्वेंसी लो है, लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग पूछे जा सकते हैं, सो मे बी आपको कोड भी दे दे या फिर आपसे लॉजिक पूछ दे सर्चिंग सॉर्टिंग के, तो आप एक बार पढ़ लेना लाइक लिनियर सर्च बाइनरी सर्च क्या होते हैं, सॉर्टिंग में आपका मर्ज सॉर्ट क्या होते हैं एंड मर्ज सॉर्ट और मे बी बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट क्या होते हैं, लाइक आपको इसकी आइडिया होनी चाहिए, टाइम कम्प्लिसिटी स्पेस कम्प्लिसिटी कैसे निकालते हैं, क्या डेफिनेशन है, आपको इसकी आइडिया होनी चाहिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं बात करूंगा राउंड रॉबिन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, सो राउंड रॉबिन वो क्वेश्चन जरूर पूछ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, सो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि राउंड रॉबिन का आपको आंसर जरूर अच्छे से देना है। सो ये तो अपने चैनल का नाम है, सो ऑब्वियस है आपको इसकी आंसर अच्छे से आना चाहिए। सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ राउंड रॉबिन एक जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें स्टार्वेशन नहीं होता है, तो स्टार्वेशन क्या है, द इंडेफिनिट वेटिंग ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड स्टार्वेशन। सो राउंड रॉबिन प्रैक्टिकली यूज किया जाता है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब शेड्यूलिंग के लिए, आपके भी सिस्टम में राउंड रॉबिन जॉब शेड्यूलिंग यूज हो रहा होगा, लाइक विंडोज और लिनक्स में राउंड रॉबिन यूज किया जाता है। सो ऐसे आप राउंड रॉबिन की आप दो मिनट तक आपको बोलोगे तो आप इट्स बेटर, सो राउंड रॉबिन आप बोल सकते हो। सो आपसे डेडलॉक पूछे जाएंगे, सो डेडलॉक का डेफिनेशन ही नहीं, आपको उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना होगा, लाइक डेडलॉक कैसे अवॉइड करते हैं, तो बैंकर्स एल्गोरिथम से अवॉइड करते हैं, लाइक डेडलॉक कैसे डिटेक्शन करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं उसको, तो आपको थोड़ा मतलब आपको एक दो मिनट बोलना पड़ेगा। सीमाफोर आपसे पूछेंगे लाइक काउंटिंग और बाइनरी क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर लाइक इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बाइनरी सीमाफोर लाइक जीरो और वन, उसके जो कुछ ऑपरेशन होते हैं डाउन और वेट अप एंड सिग्नल, सो ये सब आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए, लाइक आपको 1 to 2 मिनट बोलना पड़ेगा। वर्चुअल मेमोरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक डेफिनेशन पूछे जाएंगे, मेमोरी मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइक पेजिंग कॉन्सेप्ट से आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो मेमोरी मैनेजमेंट में आपसे 64 बिट 128 बिट्स क्या है सिस्टम, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सिस्टम से पूछे गए थे। म्यूटेक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो म्यूचुअल एक्सक्लूसन क्या होता है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा है, सो ये सारे क्वेश्चन सब ओएस से आपसे पूछे जाएंगे। मैं सीएन की बात करूँ, सो सीएन से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक सीएन में आपका सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी था वो ओएसआई मॉडल का था, लाइक सारे स्टूडेंट्स से लाइक ओएसआई मॉडल बस पूछे गए एंड
एंड मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी लेयर्स है सब, सो टीसीपी प्रोटोकॉल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आईपी एड्रेसिंग से पूछे जाएंगे। डीएनएस राउटर स्विचेस लाइक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सीएन के, वहाँ से आपके डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। लाइक आपका रैपिड फायर एक टाइप से होगा, सो रैपिड फायर में लाइक आपसे इन 10 मिनट में आपसे 15-20 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, लाइक वन लाइनर आंसर। सो ऐसा जब कॉलेज में परसिस्टेंट के इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उसने मेरे से ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछा था। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, लाइक वन लाइनर आंसर वो 10-20 क्वेश्चन वो पूछ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि रैपिड फायर क्वेश्चन में वो क्या सब पूछ सकते हैं। सो डीएनएस राउटर स्विचेस ये सब के डिफिनेशन वो पूछ सकते हैं। सो थोड़ा बहुत वो अगर वो पूछेंगे भी तो ऐसा मॉडल, लाइक इसमें कुछ आपसे सीएन से आपको कुछ डीप नहीं पूछेंगे। लाइक आपसे कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछ देंगे, लाइक कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। सो अब सीएन के लिए आप उतनी परेशान होने की बात नहीं है, आप उतना टेंशन नहीं लेना। लाइक आप बेसिक्स, आप उसको बेसिक डेफिनेशन आप लेकर चलो। लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, लाइक आपसे बेसिक्स ही पूछे जाएंगे 80%, बट आपको बेसिक्स जितने भी टॉपिक है मैं आपको बताया हूँ सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक वो स्किप कर रहे हैं, मे भी किसी स्टूडेंट के साथ स्किप कर दे, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट ऑलमोस्ट सबसे वो बेसिक्स ही पूछेंगे। एंड 20% क्वेश्चन आपका होगा मॉडरेट टू हार्ड। सो डीबीएमएस आते हैं, सो डीबीएमएस आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो डीबीएमएस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, सो यहाँ पे मैं बता दूँ नॉर्मलाइजेशन से फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। लाइक नॉर्मलाइजेशन लगभग सबसे पूछे जा रहे थे, नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्या करती है, एंड इसके कितने नॉर्मल फॉर्म है, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक उसके डेफिनेशन जो भी है। एंड आपका कीज, सो कीज से आपका रैपिड फायर क्वेश्चन होगा। सो जो आपका रैपिड फायर क्वेश्चन होगा 10 से 15, उसमें आपको कीज से पूछे जा सकते हैं। लाइक कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की और क्या होता है, सेकेंडरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। सो एक टेबल में कितने की रख सकते हैं, कितने कैंडिडेट की होंगे, कितने फॉरेन की, लाइक दैट वो क्वेश्चन मार्क पूछते जाएंगे, लाइक वन लाइनर आंसर। सो वो आपका खत्म होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वो कभी कभी स्विच भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो कभी डीबीएमएस, कभी सीएन, कभी ओएस, कभी एल्गो, कभी डीएस, लाइक वो स्विच करते रहेंगे जब आपका रैपिड फायर चलेगा। एंड ज्वाइन से क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक इनर ज्वाइन क्या होता है, आउटर ज्वाइन क्या होता है, एंड ज्वाइंस क्या करता है बेसिकली। सो वी यूज ज्वाइन टू कंबाइन द कंटेंट ऑफ डिफरेंट टेबल। सो इनर ज्वाइन इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेबल, आउटर ज्वाइन इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ टू टेबल। सो ये सब बेसिक्स आपको आने चाहिए, लाइक वन लाइन आंसर आपको एटलीस्ट बोलना पड़ेगा। एंड वो यहाँ से आपको बेसिक ये भी पूछ सकते हैं डीबीएमएस से, लाइक डिलीट एंड ट्रंकेट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। सो कहाँ रोल बैक होती है डेटा डिलीट करने के बाद, कहाँ नहीं होती। सो लाइक आप बेसिक जरूर ये सब पढ़ लेना। एंड एसक्यूएल, सो एसक्यूएल यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल के बेसिक एक दो क्वेरी आपसे लिखवाएंगे। सो जो मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे फ्रीक्वेंसी जो था कि लाइक फाइंड सैलरी इन इन द गिवन टेबल, और फाइंड सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, और या फिर किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का सैलरी या सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना, लाइक ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन वो पूछेंगे, लाइक जिसकी एसक्यूएल 1 से 2 लाइन की रहती है। सो आप एसक्यूएल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एंड उसके बाद एसडीएलसी आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पे आपको फेजेस पूछ सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल पूछेंगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो यही 3 क्वेश्चन यहाँ पे था जो वो पूछते हैं लगभग सबसे। सो एसडीएलसी पूछ सकते हैं, पूछेंगे ये, लाइक किसी स्टूडेंट से स्किप करते वो अलग बात है, बट एसडीएलसी पूछेंगे। या उसके बाद मैं पजल डिस्कस करूंगा, बट मैं एक चीज आपको एक मैं टिप्स दे दूँ, लाइक कि यहाँ पे आपका जितना है छः, मतलब जितना भी ये 8-9 टॉपिक सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे कुछ वो स्किप नहीं करने वाले किसी से, सब पूछेंगे, लाइक बेसिक सबसे पूछेंगे। मे बी यहाँ पे आपका एसडीएलसी या उप्स कुछ स्किप हो जाए किसी स्टूडेंट से, मे बी सीएन स्किप हो जाए, बट डीएस किसी से स्किप नहीं होगा। सो डीएस के मैंने जितने भी कोडिंग क्वेश्चन आपको बताया है लिंक लिस्ट से, वो सब प्रैक्टिस करके जाए, वहाँ से आपके 1 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे। एंड डीएमएस किसी से स्किप नहीं करेंगे, ओएस किसी से स्किप नहीं करेगा, एनी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो स्किप क्या नहीं करेंगे। लाइक आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको प्रोजेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। सो प्रोजेक्ट आपको रेयर है किसी से पूछ दिया जाए, वो बात अलग है, लाइक आपसे प्रोजेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट आपको TR2 में पूछे जाते हैं। रिज्यूम बेस्ड आपसे कुछ नहीं पूछे जाएंगे, उनको जो ये स्किल्स चाहिए। सो TR1 का मीन्स ये होता है जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी को स्किल चाहिए, वो आपको टेस्ट करते हैं। आपका यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा, यस। सो आप इंट्रोडक्शन की पेपर मत करना, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मेरे से इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे, बट उनसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछ के डायरेक्ट एक कोड दे देते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं। सो आप उसके लिए रेडी रहना कि आपका एडिटर वहाँ ओपन रहेगा, आपको डायरेक्ट वो बोलेंगे लाइक हाय योर नेम, एंड जस्ट स्टार्ट वो कर देंगे एक कोडिंग से। सो कोड लिख के बताओ, सो आपके सामने वो एडिटर खुला रहेगा, आपको कोड बस वहाँ टाइप करना रहेगा। मैं बताया कि आपको लाइक डीएस आपका इंपॉर्टेंट है, सो आप इसके लिए प्रिपेयर करना एंड अच्छे से करना, एंड लाइक ओएस डीबीएमएस। एंड सो लास्ट सेक्शन आपका जो होने वाला है वो पजल होने वाला है।
सो मैं पजल का आपको दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लाइक आपका इंटरव्यू खराब जाए अच्छा जाए मैटर नहीं करता है, लाइक वो सारे आपके टॉपिक टच करेंगे एंड पजल भी टच करेंगे. सो जो कुछ नहीं आंसर देता है उनका भी 20 to 25 मिनट ये इंटरव्यू चलता है, एंड जो एवरेज है वो 30 to 40 मिनट है. सो पजल मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे पजल में आपको जस्ट गिवन आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे पूछे जा सकते हैं. लाइक यहाँ पे एक पजल पूछा गया था, लाइक यू हैव ए बर्थडे केक एंड हैव टू कट इन टू 8 इक्वल पीसेस, हाउ डू यू डू इट इन मिनिमम कट. सो आपको 8 इक्वल पीस करना है एक केक का एंड आपको फ्रेंड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड वो मिनिमम कट कितने में कर सकते हो. सो सब सारे स्टूडेंट ने इसके आंसर 4 दिए थे, एंड 4 जब आप आंसर दोगे तो आपको ये भी बोलेंगे लाइक कि इसको और मिनिमम कर सकते हैं, तो वो आपको गिवन चांस देते हैं लाइक. तो आपका बस वो लॉजिक टेस्ट करना चाहते. तो पजल इट नॉट लाइक कि आपका ये एलिमिनेशन जो टॉपिक या सब्जेक्ट हो सकता है, बट आपका वो लॉजिक टेस्ट करते हैं कि आप कितना तक सोचते हो. अगर आप आंसर नहीं भी बता रहे हो तो आपने कहाँ तक सोचा लाइक, एंड आप अगर वहाँ लगभग आप रीच कर रहे हो, आप अगर सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो वो थोड़ा आपको हेल्प भी करते हैं लाइक. देख पजल लाइक ये कि अगर जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते आ रहा है लास्ट फॉर 2 3 ईयर्स या फिर फॉर जो चाइल्डहुड से बनाते आ रहा है पजल, सो उनके लिए ही पजल लाइक वो कोई भी पजल सॉल्व कर सकते हैं. बट ऐसे है कि अगर आप एप्टी लॉजिकल थिंकिंग आपका अच्छा है, एप्टी अच्छा है, तो आप पजल लाइक कुछ हद तक आप सॉल्व कर पाओगे, और कुछ ऐसा भी है जो आप पूरा सॉल्व कर दोगे. सो पजल में वो जस्ट आपका थिंकिंग देखते हैं कि आप कहाँ तक थिंक कर रहे हो, कितना आप सोचते हो. सो आप पजल की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आप जरूर कर लेना, नेट से गूगल पे आपको पजल मिल जाएंगे. एंड ये पजल आपका ये फ्रीक्वेंसी दो पजल है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लिया गया था, इसलिए मैंने दो पजल डिस्कस किया है. सो इसका मैं बता दूँ कि आपका 3 आंसर कैसे होगा. सो फर्स्ट कट जो आपका होगा वो वर्टिकली कट होगा, सेकेंड कट होगा वो हॉरिजेंटली कट होगा. सो आपके पास 2 कट हो गया एंड 4 पीस हुए, आपको अब 8 पीस करना है 4 पीस को. सो आप वो 4 पीस को आप स्टैक बना लो, लाइक एक के ऊपर एक रख लो, एंड जब आप एक के ऊपर एक रखोगे तो आपका स्टैक बन जाएगा, एंड फिर आप एक बीच से पूरा थर्ड कट कर लो. तो आप थर्ड कट करोगे तो आपका 8 इक्वल पार्ट हो जाएगा. सो लाइक डेट आप सोचोगे आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है तो आपको इजी लगेगा, बट आप उस टाइम नहीं सोच सकते हो, मतलब नहीं इतना थिंकिंग होता है जिसका लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा लेस है. तो यही तो परसिस्टेंट चेक करती है कि आप कितना थिंक कर पाते हो रियल टाइम में. सो आपका इंटरव्यू यही चेक करता है और कुछ नहीं. सो यस, सो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना. ये लाइक किसी से जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा था लास्ट मंथ जो भी हुआ था दिसंबर में इंटरव्यू. जो सेकंड क्वेश्चन है, लाइक दे आर 9 कॉइन्स, तो 9 कॉइन्स है, 8 कॉइन्स आर, 8 कॉइन्स का वेट 1 है, 1 ग्राम है, एंड 1 कॉइन जो है वो 2 ग्राम का है. तो आपको फाइंड करना है कि वो 9 कॉइन में वो सबसे हेवी कॉइन कौन सा है, और मिनिमम नंबर ऑफ वेट करना है, और आपको एक वेट मशीन भी दिया गया है. सो मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन में बताना है कि आप कितने कंपेयर में कर सकते हो. सो इसकी मैंने आपको आंसर नहीं बताया है, आप जरूर इसको बनाएं अगर आपको इजी लगता है पजल तो. एंड मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि आपके आपके लाइक एप्टी और लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होंगे पजल. लाइक अगर आपका एप्टी और लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है तो आप सॉल्व कर लोगे, और कुछ पजल जो है आपके बेस्ड होंगे सॉर्टिंग टेक्निक पे, एल्गोरिथम के सॉर्टिंग टेक्निक पे. सो ये पजल है सॉर्टिंग टेक्निक पे बेस्ड है. सो एक एल्गोरिथम है फाइंडिंग मैक्स एंड मिनिमम एल्गोरिथम है. सो फाइंडिंग मैक्स एंड मिनिमम जो सॉल्व होता है उस एल्गोरिथम को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 2n/2-1. सो उससे ये सॉल्व हो जाएगा. सो आप उस थोड़ा सॉर्टिंग पे भी आप जरूर इंफेसिस करना, लाइक आप थोड़ा उधर भी दिमाग लगाना. अगर कोई पजल ऐसे पूछे जाएंगे तो ऐसे आप देखना कि डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम लग रहा है क्या इस पे. सो उससे भी आपके क्वेश्चन ये बन सकते हैं. एंड एप्टी लॉजिकल थिंकिंग. सो पजल आप जरूर प्रैक्टिस करना. अगर आपने अच्छा वहाँ पे क्लिक किया, आपका माइंड क्लिक किया, तो आप पजल जरूर सॉल्व कर देंगे. सो दो को पजल ये जरूर पूछेंगे सबसे TR1 में. तो ये सारे TR1 रहा, आप होप आपको इससे हेल्प मिलेगी इस वीडियो को. आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें. सो परसिस्टेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, एंड आई होप आप लोग क्लियर करें. एंड फिर आपसे मिलते हैं TR2 वीडियो में. मैं जल्दी TR2 इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करके आपको अपलोड करूंगा. सो यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.